Afternoon, all of you. So let's start with our next topic, and that is environmental organization. And it's our third lecture related to the environmental organization. So already we have covered many environment related international organization, and now we are going to see and cover also Indian organization related to the environment. Okay, so चलो देखते हैं. लास्ट सेशंस में हमने कुछ कवर किया था पॉइंट, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट द प्राइज हाइक अलर्ट फ्रॉम द 24th ऑफ अक्टूबर. ओके, सो उसके पहले आप डेफिनेटली एडमिशन करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो प्राइज लिस्टिंग है वो फॉरवर्ड हुआ है उसके बारे में. सो जस्ट यूज़ द कोड सुमित कोंडे एंड यू विल गेट मोर 10% ऑफ ऑन दैट. एंड बहुत सारे यहाँ पे कंप्लीट बैच भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ऑल्सो PDF फॉर एवरी सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइडेड. एंड सेकेंड है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ जून 19 से लेके अगर आप देखते हो तो जून 20 तक का पूरा करंट अफेयर्स कवरेज हमने ऑलरेडी कवर किया है ऑन यस अन अकेडमी ऐप जो होगा. तो वहाँ पे जाके आपके बस वहाँ पे सुमित कोंडे टाइप करना है, एंड यू विल गेट ऑल द एनवायरमेंट 1 ईयर करंट अफेयर्स, जो कि द हिंदू से पूरे न्यूज़ आए थे. तो राइट फ्रॉम द जून 19 टू राइट अप टू द सप्टेबर, ठीक है. तो उसका पूरा करंट अफेयर सबको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. एंड लास्ट हमने कुछ लेक्चर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट किए थे, लाइक WWF, IUCN. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर बहुत मतलब कंजिकेटिवली यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं. IPCC होगा, UNEP, WMO, IWC. तो ऑलमोस्ट 21 ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट किए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में इसके भी सम ऑफ द टॉपिक्स कवर किए थे. एंड आई थिंक वी आर अप टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, आई थिंक. ओके, सो ये हम लास्ट लेक्चर तक यहाँ तक थे, ठीक है. दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. तो ऑलरेडी हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये कुछ कवर किया था. सो लेट्स हैव अ लुक. दैट इज WWF, IUCN, देन उसके बाद IPCC हमने कवर किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी हमने कवर किया था. एंड उसके बाद WMO कवर हुआ है हमारा, IWC कवर हुआ है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिसपे क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है. तो ये भी कवर हुआ था. देन ट्रैफिक ऑल्सो कवर्ड, साइट्स भी कवर हुआ था हमारा, एंड साइट्स के ऑल स्केड्यूल्स हमने देख लिए थे. देन सावेन कंप्लीट हुआ था. देन स्कार, दैट इज साइंटिफिक कमिटी ऑन अंटार्क्टिक रिसर्च, ये कंप्लीट हुआ था. देन वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, देन और एक क्वेश्चन था UPSC का जो कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो वो हमने कवर किया था. आर्टिक काउंसिल जो कि इंडिया को अगेन इसको री इलेक्ट कर दिया था ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्वर टू द काउंसिल इन 19, ठीक है. सो इसी लाइट में हमने देखा था, इसको भी कवर किया था कि कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें आर्टिक काउंसिल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. सो ऑलरेडी कवर हुआ है. GEF के बारे में भी क्वेश्चन आया था UPSC में. तो $1 बिलियन का कुछ प्रोजेक्ट है, एंड विच इज़ गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है. वर्ल्ड बैंक इसको रेगुलेट करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. एंड इसके थ्रू जो CBD रहेगा, UNFCCC, UNCCD, PO, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीनामाटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनको फंडिंग दिया जाता है. तो ये GEF के बारे में भी हमने कवर किया था. देन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच इज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हो गए या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गए या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस हो गए, तो उनको फंडिंग दिया जाता है, ठीक है. तो ये भी हमने कवर किया था लास्ट फ्यू सेशंस में. देन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कवर हुआ था. देन पेज इनिशिएटिव, अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है. तो ये भी हमने कवर किया था, पेज इनिशिएटिव, ओके. देन उसके बाद फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये तक हमने कवर किया था. एंड FCPF के जो फंड होते हैं इस पर भी क्वेश्चन आया था, रेडीनेस फंड एंड कार्बन फंड एंड रेड फंड, है ना. तो ये भी हमने कवर किया था. देन ग्लोबल टाइगर फोरम हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कवर किया था, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा. देन उसके बाद टाइगर इंटू टू, ये जो प्रोग्राम है जो सेंट पीटर्सबर्ग में हमने कमिट किया था, या 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है तो उन्होंने जो कमिट किया था वो भी हमने कवर किया था, ओके. देन सेकेंड हमने और क्या देखा था, देखो इंपॉर्टेंट में फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे. एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस में फर्स्ट अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री एक नोडल होती है, तो मिनिस्ट्री को हमने लुकआउट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके. सो UNEP को अगर नोडल अगर देखा जाए, नोडल इन द कंट्री फॉर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो UNEP को रिप्रेजेंट करने वाली इंडिया में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके वर्क क्या क्या होते हैं वो हमने लुकआउट किया था. देन उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज़ द स्टैटूटरी बॉडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स एक्ट, ये हमने कवर किया था, जिसका
अगर देखा जाए तो इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप वाज रुक्मिणी देवी अरुंडेल, तो वो हमने कवर किया था। देन इसका हेडक्वार्टर आता है बल्लारगढ़ हरियाणा में, ठीक है, तो ये भी हमने कवर किया था। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी भी शायद हमारा हुआ था, जिससे वजह से हम अफिलेटेड है, दैट इज़ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू अथॉरिटी। तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी वी के नॉट यस एक्सटेंड और वी कैन से कि अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द जू, और जो भी जू को परमिशन लगेगी, है ना, तो वो सब यहाँ पे सेंट्रल जू अथॉरिटी से ही होगी, ठीक है। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में कवर किया था। एंड ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, देन उसके बाद नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 से बनी थी, बट इसका अगर देखा जाए इंडिया व्हेन इंडिया साइन इन दैट इज CBD इन द 1992, तो उसके बाद ही ये सेटल हुई थी ऐसी बॉडी, दैट इज वी कैन से कि एक एक्ट पहले क्रिएट होता है एंड 2003 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कवर होती, मतलब क्रिएट होती है। एंड इसका मेजर पर्पज़ ये था टू इंश्योर द फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग दैट अराइज आउट ऑफ द रिसर्च ऑफ इंडियन बायोडायवर्सिटी। एंड इसका मेजर पर्पज़ तो हमने देखा था ABS, दैट इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था अबाउट द नागोया प्रोटोकॉल। ओके, सो ये भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। एंड सेकेंड उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो ये भी हमने कवर किया था। इट इज़ ऑल्सो द स्टैटूटरी बॉडी एंड एज यू नो वाइल्ड लाइफ इज देयर, सो इट अंडर्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, कि जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स है तो उस पर कंट्रोल करना, उसके डेटास कलेक्ट करना, एंड जो भी कंट्रीज हो गए जहाँ पे ऐसे कुछ नेक्सस एंगेज्ड है इन वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, ओके, सो इलीगल ट्रेडिंग, पोचिंग, हंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो नेक्सस के बारे में अदर कंट्रीज से इंफॉर्मेशन लेना, एंड उन्हें इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो वो भी हमारे पास स्टोर करके रखना, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वर्क्स यहाँ पे हमने देखे थे। देन उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ NGT, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आके गए थे, एंड इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड गिविंग रिलीफ टू द कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमने कवर किया था। एंड इसको किसके पावर्स होते हैं, सिविल कोर्ट के पावर होते हैं। जो भी NGT, वी कैन नॉट से कि वी कैन से कि NGT एक जनरली इसलिए क्रिएट हुआ था कि एक जो बर्डन होता है हाई कोर्ट्स पे, तो वो बर्डन शायद इससे कम हो सकता था। एंड जो स्पीडी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीडी जो डिस्पोजल होगा जो केसेस हो गए रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, तो वो हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज देखो NGT पे मैंडेटरी है कि हैव टू डिस्पोज द केसेस विद इन द 6 मंथ, मतलब उनके पास जब कोई केस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी तो उनको 6 मंथ में उसको क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये भी वर्क हमने इसमें देखा था। देन उसके बाद सेकेंड ऐसा हमने देखा था कि यहाँ पे सिविल कोर्ट के राइट्स होते हैं एंड इसका हेडक्वार्टर जो आता है दिल्ली में आता है, एंड सेकेंड उसके बेंचेस अगर देखे जाए तो भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके मेंबर्स तो मेजरली कौन हो गए, तो मोस्टली जुडिशियल एरिया से हो गए, एंड दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑनवर्ड्स हो गए, नॉट जज ऑफ द हाई कोर्ट बट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखो, सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये हमने कवर किया था। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ कि मतलब हम अपील कर सकते हैं क्या, जो भी NGT के डिसीजंस हो गए या कोई भी कंपनीज होगी, अगर उनको अपील करना है इसके रिगार्डिंग, सो यस दे डू कैन दे डू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बट विद इन द 90 डेज ओनली, ठीक है। सो मतलब विद इन 90 डेज ही उनको अपील करना पड़ेगा, अदरवाइज द डिसीजन ऑफ द NGT और द वर्डिक्ट ऑफ द NGT विल बी द फाइनल वन। ओके, तो फाइनल हो सकता है बट वेन आफ्टर 90 डेज ओनली। ओके, तो ये भी हमने देखा था। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके हेड कौन होते हैं, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, एंड एक ममूत बॉडी इसको कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स इसमें होते हैं, डिफरेंट MPs हो गए या सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड इकोलॉजिस्ट हो गए एंड इवन प्राइम मिनिस्टर, ये तो खुद चेयरमैन होता है, एंड वाइस चेयरमैन तो डायरेक्टली मिनिस्टर होते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि 1972 के एक्ट से बना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, इससे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसके मेजर वर्क भी हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, सो ये भी क्वेश्चन आके गया था वैसे UPSC में, सो देखते हैं। सो इट इज एस्टैब्लिश अंडर और इट इज़ द स्टैटूटरी बॉडीज बॉडी अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी,
ये कौन से एक्ट के अंडर आता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ही एस्टैब्लिश हुआ है, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो द स्टैटूटरी बॉडी. ओके, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक रूल है, सो दैट इज द रूल फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989. ऐसा बहुत बड़ा एक रूल है, एंड यही रूल अगर आपको समझ जाता है तो मुझे लगता है पूरा ये जो कमेटी है तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. तो देखो सिंपल सी बात है कि जब कोई अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि बीटी कॉटन, ओके, सो बीटी कॉटन अगर क्रिएट होते तो ऑब्वियसली उसको पेस्टिसाइड्स कम लगेंगे. ठीक है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, तो उससे डेफिनेटली हमारा यील्ड अच्छा हो सकता है, या जो थ्रेट होता है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह के जो थ्रेट्स हो गए तो वो भी यहाँ पे कम हो गए. बट ऐसा अगर बीटी कॉटन क्रिएट होने से, ठीक है, एनवायरनमेंट पे के क्या इम्पैक्ट हो सकती है, या हमारे भी ह्यूमन हेल्थ पे भी क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो वो भी चेक करना पड़ेगा. तो इसलिए फाइनल परमिशन जो होती है तो वो कहाँ से लेनी, मतलब अगर ऐसे कोई डेवलपमेंट होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, तो आपको परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? GESC से, ठीक है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, यूज और इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, या स्टोरेज करना है ऐसे हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो उनका आपको परमिशन किसका लगेगा? इसके लिए GESC का परमिशन लगेगा. ठीक है, इट वॉज फॉर्म एज द जेनेटिक अप्रूवल कमेटी एंड वॉज रिनेम इट टू द करंट नेम, दैट इज GESC. ओके, एंड इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. And the body regulate the use, manufacture, storage, import, export of hazardous microorganism or genetically engineering organism or cells in India. So the committee is chaired by the special secretary and additional secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, etc. Okay, so inka major work dekh lo, functions kya rahenge inke? So it is responsible for the appraisal of activities that involve in the large scale use of hazardous microbes and recombinants in research and industrial production from the environment. Okay. तो ऐसे इनका एक मेजर वर्क रहेगा. एंड इट इज इट असेसेस द प्रपोजल रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग, मतलब जो असेसमेंट होगा इसका प्रॉपर वो करेंगे, एंड लुक फॉर द प्रपोजल ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये इनका एक मेजर वर्क होगा. देन कमिटी हैज़ द पावर टू टेक द प्युनिटिव एक्शन ऑल्सो, मतलब इनको डिफरेंट एक्शन लेने की परमिशन रहेगी कि येस डेफिनेटली दे डू हैव. सो ठीक है, तो देखो पावर टू टेक प्युनिटिव एक्शन अगेंस्ट द पीपल एंड बॉडीज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. तो अगर इसमें कोई ऐसे कोई इलीगली ट्रेड करता है कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लेने की पावर्स इसमें है क्या? सो यस दे डू हैव. ओके, तो GESC को ऐसी परमिशंस रहेगी. एंड द अप्रूवल ऑफ द GESC इज अ मैंडेटरी. ओके, प्लीज नोट दिस लास्ट पॉइंट, द अप्रूवल ऑफ द GESC इज अ मैंडेटरी बिफोर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द दे कैन बी यूज कमर्शियली. ओके, तो मतलब कमर्शियल यूज करने से पहले इनका डेफिनेटली परमिशन आपको GESC की मैंडेटरी रहेगी. ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो प्लीज नोट दिस ऑल द पॉइंट्स बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, सो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है GESC अगर देखा जाए तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड मेजर इनका वर्क वही रहेगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके यूज करना, मैन्युफैक्चर करना, स्टोरेज करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हजार्डस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस पर मॉनिटरिंग करना एंड उसके अप्राइजल करना या फिर उसके परमिशन देना. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क रहेगा. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, गुड. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कौन से एक्ट से बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज मेड अप बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ओके, और उसके अंडर रूल आता है, वही रूल के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी. ओके, सो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज द CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, सो देखते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में, एक एपेक्स पोल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड एक बॉडी हम बोल सकते हैं, दैट इज CPCB. एंड इट इज ऑल्सो द स्टैटूटरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज एस्टैब्लिश अंडर द वाटर एक्ट, नॉट वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा नहीं रहेगा, या फिर जो हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो उसके अंडर नहीं है. ये किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ है? दैट इज अंडर द वाटर एक्ट 1974. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? CPCB एस्टैब्लिश अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974 से ये एस्टैब्लिश हुआ है, इतना आपको याद रखना है. बट इसका फंक्शनिंग जो होता है, पावर्स एंड फंक्शनिंग कौन से एक्ट के अंडर आता है? एयर एक्ट 1981 के अंडर. ठीक है, तो देखो अभी तक हमने देखा था कोई एक ही एक्ट यहाँ से रिस्पॉन्सिबल होता है कोई एस्टैब्लिश होने के लिए या उसका जो वर्किंग है उसके लिए, बट यहाँ पे दो एक्ट आपको दिख रहे हैं. सो CPCB एस्टैब्लिश हुआ है वाटर एक्ट के अंडर 1974 के अंडर, एंड उसका फंक्शनिंग एंड पावर्स जो होता है तो वो कौन से एक्ट के अंडर आते हैं? एयर एक्ट 1981 के अंडर. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो दोनों एक्ट अलग है, पावर फंक्शंस अलग है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो हुआ है
तो वो अलग रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है तो वो वाटर एक्ट से, एंड पावर्स एंड फंक्शन एयर एक्ट से आएगी सीपीसीबी के। अब इनका मेजर वर्क एग्जैक्टली क्या है, दे प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एंड अबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। मतलब जो अभी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गंगा का एग्जाम्पल, ठीक है, तो गंगा का जो क्लीनिंग करना, वाटर क्लीनिंग होगा या उसमें जो भी इफ्लुएंट्स मर्ज होता है डिफरेंट कंपनीज के थ्रू, तो वो इफ्लुएंट्स के लेवल एग्जैक्टली चेक करना या फिर उनको परमिशन देना कितने लेवल तक एग्जैक्टली उनका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना या अबेट करना एयर पोल्यूशन को। इवन तो आपको ये पता होगा कि दिल्ली में बहुत बड़ा एक ऑलवेज स्टबल बर्निंग का जो इशू होता है, या उसी वजह से जो फॉग कंडीशंस या स्मॉग कंडीशन जो होती है, ठीक है, या दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है, तो वो चेकआउट करना, ऑलवेज चेकआउट करना, ये भी सीपीसीबी के अंडर ही होगा, ठीक है। तो इतना याद रखो। एंड और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट में चल रहा है अभी बहुत बार, सो दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था किस, कौन से एक्ट के अंडर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंगली देखो, जो हम दिल्ली में देखते पोल्यूशन कंट्रोल करना, ठीक है, तो या AQI जब 500 प्लस जाता है, सिक्योर वी कैन से कि सीवियर लेवल प्लस जाता है, तो दिल्ली में क्या एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ द क्रैप प्रोग्राम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ओके, तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो एक्टिवेट कब होता है दिल्ली में, सो व्हेन AQI लेवल, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 प्लस जाएगी, तब क्या होगा दिल्ली में ग्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो ग्रैप तभी एक्टिवेट होगा, बट ये ग्रैप किसके अंडर एक्टिवेट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट बनाया था कि उसी मैंडेट से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके, उसके अंडर EPCA एक बॉडी क्रिएट की, एक अथॉरिटी क्रिएट होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंट्रोल अथॉरिटी जो रहेगी, ठीक है। तो उसके अंडर EPCA के अंडर ग्रैप ये लॉन्च होगा, ग्रैप का लॉन्चिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा या उसका मॉनिटरिंग करना, ये किसके अंडर है, EPCA के अंडर। और EPCA कौन से एक्ट से बना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी थोड़ा टच करते रहो, बिकॉज ऑलवेज कुछ ना कुछ यहाँ पे करंट में चलते रहता है, ठीक है, सॉरी, तो ऑलवेज करंट में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। सो याद रखना ये सब, एंड इट सर्व एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द टेक्निकल सर्विसेज टू द वी कैन से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का, तो उसके भी कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए, या वो एक्ट जो होगा 1986 का एक्ट, तो उसमें भी बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोविजंस हो गए, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम CPCB के अंडर होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखो। एंड इसके इट इज़ लेड बाय द चेयरमैन फॉलोड बाय द मेंबर सेक्रेटरी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेयरमैन ऑफिशियल्स उसके हो सकते हैं डिफरेंट, ओके। तो CPCB याद रखना, इट इज़ एपेक्स वन, एंड इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इंडिया में डेवलप हुए CPCB के अंडर, ओके। सो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो इनका मेजर वर्क क्या है, सो पोल्यूशन असेसमेंट सर्वेज एंड मॉनिटरिंग, ओके, एंड R&D लेबोरेटरी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इमिशन एंड इफ्लुएंट ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, एंड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी, एंड पोल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट, मास अवेयरनेस पब्लिकेशंस एंड हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी किनके थ्रू होता है, इनके ही थ्रू होता है, ठीक है। तो हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, तो दैट इज ऑल अबाउट द CPCB, सो प्लीज नोट दैट इट एस्टैब्लिश अंडर द वाटर एक्ट एंड फंक्शन अंडर द एयर एक्ट, ओके। एंड दूसरा क्या रहेगा कि यहाँ पे प्रॉपर इनका वर्क कौन से फील्ड में रहेगा, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंट कंट्रोल एंड अबेट द एयर पोल्यूशन, मोस्टली वाटर एंड एयर पोल्यूशन रिगार्डिंग ये काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NTCA, ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वैसे तो टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में 1972 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो 1972 में आपको पता होगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, सो इन द अवेक ऑफ वी कैन से, और जब इंदिरा गांधी आए थे स्टॉकहोम कन्वेंशन से, हमने डिस्कस किया था 1972 में, तो इंडिया में स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी में से एक था कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था आफ्टर स्टॉकहोम कन्वेंशन, एंड उसके बाद ही इंडिया में 1972-73 के आसपास टाइगर प्रोजेक्ट भी, स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये वैसे तो देखा जाए तो तब 8-9 टाइगर रिजर्व्स थे, आज जाके उनका नंबर्स बहुत ही अच्छे इंक्रीज हुए, दैट इज़ 50 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, एंड टाइगर्स के नंबर भी ड्रास्टिकली इंडिया में मतलब बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हुए, दैट इज़ 2967। ये जो लास्ट हमारा टाइगर सेंसस हुआ था उसी अकॉर्डिंग 2967 अभी कुछ नंबर्स है, लास्ट टाइम 2226 थे,
ओके, लास्ट सेंसस से, अभी रिसेंट सेंसस में 2967 इतने नंबर से, तो बहुत अच्छे नंबर्स भी टाइगर के हमारे इंडिया में दिखते हैं। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट अमंग द टाइगर नंबर्स अगर देखा जाए, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो एनीवेज, बट इस पर एक कंजर्वेशन करने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत थी, और वो अथॉरिटी बहुत लेट क्रिएट होती है, मतलब 72 के बाद, ऑलमोस्ट 2006 में ऐसी कुछ अथॉरिटी क्रिएट होती है। एंड इट इज़ अ सेकेंड, ये होगा यहाँ पे कि इट इज़ अ स्टैटूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनेबलिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज इन अमेंडेड इन 2006। ओके, तो 2006 में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कि सेकेंड, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो थी, तो उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं थी, ठीक है, कि जो टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड कुछ हो, तो ऐसी प्रोविजंस वहाँ पे नहीं थे। तो फिर 1972 के एक्ट में क्या, मतलब जो अमेंडमेंट होता है 2006 में, तो ऐसा अमेंडमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट होता है 2006 में, फॉर स्टैंडिंग द टाइगर कंजर्वेशन एज पर द पावर एंड फंक्शन असाइन टू द अंडर द सेड एक्ट, ठीक है। तो 2006 में 1972 के एक्ट में थोड़े से अमेंडमेंट होते हैं, एंड वही अमेंडमेंट के थ्रू किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, दैट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ओके, एंड तो सो दैट ऑब्वियसली ये 1972 के एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के अंडर बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटूटरी बॉडी। एंड ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। चलो यहाँ तक तो सबको अंडरस्टैंड हुआ है। एंड इट इज़ सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पे चेयरमैन कौन हो गया NTCA के, तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। सो नोट दैट चेयरमैन कौन हो गया NTCA के, सो दैट इज़ डायरेक्टली द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज अभी फॉर राइट नाउ प्रकाश जावड़ेकर जो हो गए, तो उसके क्या है, चेयरमैन हो गए, ठीक है। तो याद रखना NTCA के चेयरमैन कौन होता है, दैट इज द मिनिस्टर डायरेक्टली। ओके, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, एंड द अथॉरिटी विल हैव 8 एक्सपर्ट, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आई डोंट थिंक कि वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, बट यहाँ पे देखना। और एक है कि एक्सपर्ट के साथ, ओके, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स है एक्सेट्रा, ये तो यूपीएससी नहीं पूछते, बट द सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग ट्राइबल्स भी होते हैं, मतलब ट्राइबल भी इसके पार्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। सेकेंड, ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के थ्री, अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्री मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, थ्री मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी होते हैं, जिसमें से अगर दो देखे जाए तो टू टू ऑफ देम विल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। ओके, सो टू विल बी, यस, इलेक्टेड बाय, आउट ऑफ दिस थ्री टू विल बी इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ पीपल। ओके, एंड वन होगा तो काउंसिल ऑफ स्टेट से होगा, ठीक है। तो ऐसे ये डिवीजन याद रखो कि दो कहाँ से हो गए एंड एक कहाँ से होगा, तो टोटल थ्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एंड टू विल बी फ्रॉम हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी हाउस ऑफ पीपल, एंड वन विल बी फ्रॉम, यस, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ अलग फैक्टर देखो कि इसमें तीन जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से वो भी होते हैं, मिनिस्टर तो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग पॉइंट आपको यहाँ पे एड ऑन करके रखना है। ओके, तो शायद इसमें NTCA के अथॉरिटी के जो मेंबर्स है, तो उसके ग्रुपिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकता है। सो देखो चेयरमैन कौन है, डायरेक्टली मिनिस्टर, एंड सेकंड थ्री मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जो दो हो गए उसमें से वो क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, एंड वन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट। सो IG होते हैं जो फॉरेस्ट के, इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, मतलब IG ऑफ द फॉरेस्ट इज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर एंड विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी हो गए, ठीक है। एंड इनका मेजर वर्क वही है NTCA का, अगर देखा जाए, प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट, सॉरी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट कंप्लायंस ऑफ इट्स डायरेक्टिव बिकम लीगल। ओके, एंड फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व बाय प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ द MOU, ओके, एंड स्टेट विद इन और अवर फेडरल स्ट्रक्चर, एंड प्रोवाइडिंग फॉर ओवरसाइट ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेट्रा, एंड एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल, मतलब जो लोकल पीपल वहाँ पे हो गए टाइगर रिजर्व के एरियाज के आसपास, तो उनका भी थोड़ा सा वहाँ पे क्या करना है, हमें लाइवलीहुड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये NTCA का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो देख लेना ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी है। 1972 के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थ्री मेंबर्स होते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के, ट्राइबल पीपल भी इसमें मेंबर्स एज अ मेंबर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, सो एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस, यस, एनी क्वेश्चन, ये बाद में आप थोड़ा सा इसको स्टॉप करके बाद में पढ़ लेना कि इंश्योर क्रिटिकल सपोर्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मैंने देख के रखे, ठीक है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, NAEB जिसको कहा जाता है, NAEB, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक बोर्ड,
ठीक है, तो इसका सेटअप हुआ था 1992 में, तो ऑब्वियसली अफॉरेस्टेशन नाम आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि अफॉरेस्टेशन रिलेटेड ये प्रोग्राम ज़्यादातर होगा, मतलब जहाँ पे अफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे मोस्टली प्लांटेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द सम डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसका रिस्टोरेशन करना यहाँ पे एक मेजर वर्क होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री विद द स्पेशल अटेंशन टू द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे तो स्पेशल अटेंशन किस में होगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो कि डेवलपमेंट के लिए कुछ अगर डिग्रेड हुआ है फॉरेस्ट तो उसका कंजर्वेशन करना यहाँ पे मेजर वर्क होगा। ओके, एंड एरियाज लैंड्स एडजॉइनिंग द फॉरेस्ट एरियाज ऑब्वियसली, मतलब जिसके जो नेशनल पार्क हो गए उसके सराउंडिंग एरियाज हो गए या फिर सेंचुरीज है, फॉरेस्ट है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स है या इकोलॉजिकल फ्रैगाइल एरियाज है, तो उसके जो सराउंडिंग एरियाज है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम मेंटेन करना है। ठीक है, सो मतलब जहाँ पे डिग्रेड हुआ है फॉरेस्ट तो ऐसे एरियाज में NAEB क्या करेगा, अफॉरेस्टेशन रिस्टोरेशन ट्री प्लांटिंग एंड फॉरेस्टेशन ऐसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, एंड इट इवॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। देखो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और डिफॉरेस्टेशन हुआ तो ऐसे एरिया में क्या करेंगे हम, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करेंगे ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज एंड एडजॉइनिंग लैंड थ्रू द सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग होगा और उसकी वजह से मतलब उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नॉट ओनली द अफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो रिस्टोर द फ्यूल वुड होगा, फोडर होगा, टिम्बर है एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एंड ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, तो ये एक यहाँ पे पार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, सो इट इज़ नॉट एनी बोर्ड और अथॉरिटी, सो मतलब इसको कोई एक्ट से एस्टैब्लिश होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी UPSC कर सकती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सो दैट शुड बी रॉन्ग बिकॉज ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एजुकेशन की बातें चलेगी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एजुकेशन है ना, बिकॉज इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे एजुकेशन की बातें चलने वाली। देखो स्टडी लाइक बायोडायवर्सिटी, एंडेंजर स्पीसीज, यहाँ पे स्टडी करना, उसका एक प्रॉपर अगर फॉरेंसिक स्टडी होगा या रिमोट सेंसिंग होगा, लैब्स होगी, हर्बेरियम होगा, तो यहाँ पे कोई एक्ट की जरूरत नहीं है। तो UPSC देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकती है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सो दैट कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्टैटूटरी बॉडी, इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट बोर्ड और इट इज़ नॉट अथॉरिटी। अगर वो होगा तो कौन सा है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL बोर्ड है वो, जिसके हेड डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंडर, नॉट दिस इंस्टीट्यूट। ओके, तो इंस्टीट्यूट ये स्टैटूटरी नहीं है, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, बिकॉज इनको कोई लॉज एंड एक्ट इंप्लीमेंट करना नहीं होता, इनको बस एजुकेशन देना है इन द फील्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये इनका मेजर वर्क होगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, देहरादून उत्तराखंड में। ओके, 92 में सेटल हुआ था, याद रखना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में। ओके, क्लियर है। एंड इट ऑफर्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा, एंड इट ऑल्सो रिसर्च फैसिलिटी दैट इंक्लूड फॉरेंसिक रिमोट सेंसिंग, दैट इज GIS होगा, लैबोरेटरी, हर्बेरियम एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कैरीज एरियाज ऑफ द स्टडी लाइक बायोडायवर्सिटी, एंडेंजर स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, है ना, तो ये भी एक यहाँ से इनके थ्रू होता है जनरली। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन दैट इज द कैंपा। ओके, और इसमें UPSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो कैंपा, और वैसे भी देखा जाए तो कैंपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अथॉरिटी है, दैट इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज नोन एज द कैंपा। ओके, प्लीज नोट दिस कैंपा, सो दैट इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, सो इट इज नथिंग बट द मैनेजर ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, तो अफॉरेस्टेशन के लिए जो भी फंड आ गए तो उसका मैनेजर कौन है, दैट इज कैंपा। ओके, प्लीज नोट दैट। ओके, सो ये कैंपा क्या है कि मैनेज करता है फंड जो आएंगे। अब ये फंड कहाँ से आएंगे, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई अफॉरेस्टेशन की बात चल रही है, मतलब क्या है कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर डेवलप हो रहा है, इफ देयर इज एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा या फिर कोई भी मतलब एक प्राइवेट इंडस्ट्री होगी, अगर वो डेवलप हो रही है कोई पर्टिकुलर एक्स एरिया पे, तो वो जो 2 एकड़ का एरिया अगर वो फॉरेस्ट के अंडर था और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करके इनको अगर डेवलपमेंट करना है, तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करेगी, वो कंपनी खुद वहाँ पे और एक सेम एरिया उतना ही रिस्टोरेशन के लिए अलॉट करके देगी वाई एरिया।
ओके, तो एक्स एरिया जितना ही एरिया वाई एरिया अलॉट किया जाएगा वही कंपनी के थ्रू, कि जहाँ पे इतना मतलब जितना यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है उतना ही अफॉरेस्टेशन उनको करना ही पड़ेगा वाई एरिया में। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो इंडस्ट्रीज है वो खुद इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, तो वो जितना रिस्टोरेशन के लिए खर्चा आएगा, जितना फंडिंग लगने वाला है, तो उतनी वो कंपनी एक्स कंपनी क्या करेगी, वो वाई लोकेशन में जो रिस्टोरेशन करना है तो उसके लिए फंड रिलीज करेगी। ठीक है, तो वो कंपनी जो फंड देगी तो वो फंड किस में आएगा, अफॉरेस्टेशन फंड में आएगा। ठीक है, मतलब जो कैंपा का फंड होता है तो उसमें आ जाएगा, और वो फिर कैंपा जो होगा तो वो स्टेट्स को वो अथॉरिटी दे सकता है, या सेंटर को भी, एक 10% एंड 90% ऐसे कुछ होता है, तो 90% तो स्टेट को निकल जाता है और स्टेट को वो पैसे आ जाएंगे, तो वैसे ही स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, खुद भी प्लांटेशन कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंड्स आते हैं, तो देखते हैं फिर क्या है कैंपा। ओके, सो इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर ही ये क्रिएट हुआ था, तो वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो। एंड इसके लिए एक्ट भी था, दैट इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट, ओके, वॉज पास बाय द सेंटर इन 2016 रिलेटेड टू द रूल्स एंड नोटिफाइड इन 18। सो इट कैफ एक्ट अगर देखा जाए, मतलब कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट एनेक्टेड टू द मैनेज द फंड्स वॉज कलेक्टेड, मतलब फंड जो कलेक्ट हुए तो उसको मैनेज करना इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो मतलब वही है, यूपीएससी में वही पूछ सकते हैं कि जो फंड है तो वो मैनेज करने का काम किसका रहेगा, तो योर आंसर शुड बी द कैंपा। ओके, एंड देखो इट द लॉ एस्टेब्लिशेज द नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट, तो ये कौन से अकाउंट में होता है इंडिया के, सो दैट इज अंडर द पब्लिक अकाउंट, तो जो भी फंड आएगा वो रहेगा पब्लिक अकाउंट में, या स्टेट रहेगा तो स्टेट के पब्लिक अकाउंट में होगा। ठीक है, तो याद रखना ये पब्लिक अकाउंट में होता है, नॉट ऑन प्राइवेट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गए एक फर्स्ट थिंग। देन फंड्स विल बी रिसीव फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ये फिक्स प्राइस नहीं होती, और यूपीएससी ने यही पूछा था कि फिक्स प्राइस पे होता है, सो दैट शुड बी रॉन्ग, इट इज़ नॉट द फिक्स प्राइस। ओके, ये जो मार्केट वैल्यूज जो प्राइस होगी, तो वो रिस्टोरेशन के लिए जो भी प्राइस लगने वाले, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट उस पर होगा, एनपीवी जिसको कहा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसी बेसिस पे उतना फंड ये कलेक्ट किया जाएगा वो पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर इंडस्ट्री के थ्रू। ओके, एंड अदर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक पेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड नेशनल फंड विल रिसीव, तो ये जो भी फंड यहाँ पे कलेक्ट हुआ है तो नेशनल फंड रहेगा 10%, मतलब वो 10% नेशनल को जाएगा एंड मतलब सेंटर को जाएगा, एंड द स्टेट फंड विल रिसीव 90% ऑफ द रिमेनिंग, तो 90% किसको जाएगा, ये स्टेट को जाएगा, बिकॉज मोस्टली फॉरेस्ट ये पार्ट अगर देखा जाए तो स्टेट के लिस्ट में आता है, और 90% अगर देखा जाए तो 90% उनको निकल जाएगा, और 90% वही फिर वो यूज करेंगे टू अफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कैंपा एक्ट, ओके, कैंपा एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड, देखो यहाँ पे दिया है, अ कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट मस्ट प्रोवाइड, मतलब ये मस्ट रहेगा, मस्ट उनको मैंडेटरी, अदरवाइज उनको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लैंड टू टेक अप द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, तो उनको अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड करना ये मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, कंपल्सरी फॉरेस्टेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये पब्लिक रिलेटेड नहीं है, ये इंडस्ट्री की बातें चल रही है। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड है। फॉर द अफॉरेस्टेशन द कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज, देखो यहाँ पे कौन करेगा, कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड टू द स्टेट। ओके, तो स्टेट को जो प्रोवाइड हुआ है तो उसी अकॉर्डिंगली मतलब कंपनी ही पे करेगी जो भी यहाँ पे फंड लगने वाला है वो। ठीक है, एंड द कैंपा फंड इज नेशनल लेवल कॉर्पस फंड वेयर द कंपेंसेशन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम यूजर एजेंसीज, मतलब जो कंपनीज होगी तो उनसे पैसे जमा किए जाएंगे, जो फंड होगा वो कलेक्ट किया जाएगा, एंड लाइक इंडस्ट्रीज व्हेन फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज इज डिपॉजिटेड, मतलब उतना फंड वो डिपॉजिट होगा, और जो भी वाई एरिया रहेगा तो यहाँ पे अफॉरेस्टेशन करने के लिए फिर वो कैंपा का फंड है वो रिलीज किया जाएगा। तो पहले कैंपा में फंड आएगा, एक्स कंपनी यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, और वही फंड यहाँ पे वाई एरिया में जो उन्होंने अदर एरिया अलॉट किया है, देखो मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव जो एरिया उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे वो फंड यूज किया जाएगा बायोडायवर्सिटी अफॉरेस्टेशन, सॉरी अफॉरेस्टेशन होगा या बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। एंड द फंड इज यूटिलाइज टू द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड डेवलपमेंट एंड असिस्ट नेचुरल रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, तो रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेगी कैंपा के अंडर। सो कैंपा इज नथिंग बट यस द फंड ऑफ द मैनेजर ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मतलब मैनेजर ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड या जो कंपनीज डेवलप होती है तो उनका जो फंड आएगा रिस्टोरेशन के लिए तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है इंडिया में, सो दैट योर आंसर शुड बी द कैंपा। एंड कैंपा इसको क्या करता है, मतलब मोस्टली पब्लिक अकाउंट में इसको
डिपॉजिट करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखो, बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. सो यस, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस, एनी क्वेश्चन? फास्ट. यस, एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट हम नेक्स्ट देख सकते हैं जूलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया, और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. चलो बताओ, कोई क्वेश्चन है क्या? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो फास्ट. यस, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो दैट इज द जूलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन रिसर्च ऑफ द फौना इन द रीजन, ठीक है? तो जूलॉजी का सर्वे का क्या काम है? देखो, सर्वे काम चल रहा है यहाँ पे, सर्वे की बात चल रही है, ठीक है? और अगर ये देखा जाए तो जूलॉजी का सर्वे है, मतलब जो भी डिफरेंट एनिमल्स हो गए, जूलॉजिकल एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो उनका क्या करना? सर्वे करना, एक्सप्लोरेशन करना, रिसर्च करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ऑब्वियस है, जब जूज है तब आपको पता है कि ये कौन सा कंजर्वेशन होता है? एक्सीटू कंजर्वेशन. जूज आर द एक्सीटू कंजर्वेशन. ओके, तो ऐसे ही द एक्टिविटीज ऑफ ZSI आर कोऑर्डिनेटेड बाय द कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की अंडर आता है एंड इट ओरिजिनेटेड एज अ जूलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, ठीक है? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ZSI का 1916 से, देखो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? कोलकाता में, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ डेजिग्नेटेड रिपॉजिटरी, ठीक है? तो इसको डेजिग्नेटेड रिपॉजिटरी ऐसे भी कहा जाता है फॉर द नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन एज पर द सेक्शन 39 ऑफ द नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट के अंडर, 2002 के एक्ट के अंडर ये एक डेजिग्नेटेड रिपॉजिटरी, ऐसे इसको कुछ डिक्लेयर किया गया, ठीक है? एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोरिंग, सर्वेइंग, इन्वेंटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ द फौनल डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट, सिलेक्टेड द इकोसिस्टम, ओके, एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, एंड टेक्सोनॉमिक स्टडीज होगी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस ऑफ द सर्वे थ्रेटन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज हो गए, तो उनका सर्वे करना है ना, रेड डेटा बुक प्रिपेयर करना, फौना ऑफ इंडिया जो भी है तो उसको मतलब उसके नंबर्स वगैरह काउंट करना, ठीक है? तो फौना पे ही रहेगा जूलॉजिकल सर्वे, अगर देखा जाए तो उसके फौना रिलेटेड ही काम करेंगी है, ठीक है? सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो इंडियन गौर है ना, इंडियन गौर का पॉपुलेशन रहेगा, तो उनका रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि उसका वी कैन से कि जो उसका सेंसस किया, तो वो ये कहेगा नीलगिरी ताहर, इसका भी फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ है. तो ऐसे बहुत सारे इस बार मतलब 1920 में अगर देखा जाए, इंडियन गौर एंड सेकेंड इज द, यस दैट इज नीलगिरी ताहर, ठीक है? तो इनका पॉपुलेशन सेंसस हुआ या सर्वे हुआ था, तो वो सर्वे किसने किया था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है? तो ऐसे जो सर्वेज है, रेड डेटा बुक रखना, IUCN के जो रेड डेटा बुक होते हैं, तो उसमें कुछ अपडेशन देना कि इंडिया में कितने कितने फॉर एग्जाम्पल मतलब मोस्टली स्पीसीज कितने हैं या उनका थ्रेट लेवल क्या है. तो यही डेटा के बेसिस पे IUCN फिर क्या करेगा कि डिफरेंट उनकी जो लिस्टिंग आती है, IUCN की जो लिस्टिंग होगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है? तो इनको डेटा प्रोवाइड, इंडिया में जो डेटाज है तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन करने वाला है? यस, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द ZSI. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो, प्रिपरेशन ऑफ द रेड डेटा बुक, ओके, फौना ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड स्टेटस सर्वे ऑफ थ्रेटन एंड एंडेमिक स्पीसीज, कितने लेवल तक थ्रेट हुआ है, तो ये सब बताने का काम कौन करता है? ZSI. ओके, तो डिफरेंट सर्वेज, न्यू सर्वेज भी होते हैं, तो उसका भी काम कौन करेगा? ZSI करेगा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ZSI के थ्रू होते हैं. एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अगर इनके देखे जाए, सो दैट इज रिमोट सेंसिंग स्टडीज होगा ऑन रिकॉर्डेड एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स से तो उनका रिमोट सेंसिंग करना, या फिर उनका जो हैबिटेट है वो कितना, कौन से लेवल तक है, एंड क्रोमोसोमल मैपिंग होता है, DNA बारकोडिंग होता है, तो ऐसे चीज़ें यहाँ पे लुकआउट की जाती है, ठीक है? तो ऐसे थोड़े से पॉइंट याद रखना ZSI के रिगार्डिंग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ओके? एंड चलो, सर्वे एक्सप्लोरेशन ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, एंड इसका हेडक्वार्टर आते हैं कोलकाता में. नेक्स्ट विल बी द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो देख लो यहाँ पे, इट इज़ द एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रिसर्च के रिलेटेड ही है, जैसे हमने पीछे भी देखा था सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एक्सेट्रा. तो जो डिफरेंट बॉटनिकल सर्वे भी रहेगा तो वो भी रिसर्च के रिगार्डिंग है. एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कैरिंग आउट द टेक्सोनॉमिक, याद रखना, कैरिंग आउट टेक्सोनॉमिक फ्लोरिस्टिक स्टडीज. अब बॉटनिकल मतलब क्या है? ये मोस्टली फ्लोरा रिलेटेड ही है, प्लांट रिसोर्सेज जो हो गए, या उनका एक प्रॉपर फ्लोरिस्टिक स्टडी करना, टेक्सोनॉमिक स्टडी करना, ये इनका मेजर काम है. एंड ये देखा जाए तो ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, 1819 से ब्रिटिश टाइम्स है, और उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? कोलकाता में. तो ZSI हो,
या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? कोलकाता में आता है। बट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये ZSI से पहले क्रिएट होता है 1819 में, और 1916 में अगर देखा जाए तो वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएट होता है। ओके, एंड सर जॉर्ज किंग द सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि फर्स्ट इसके कुछ मतलब चेयरमैन एक्सेट्रा थे, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट एनी वेज याद रखना, फॉर सर्वे ऑफ रिसर्च कंजर्वेशन प्लांट रिसोर्सेज जो होते हैं, फ्लोरा एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, एंड डिफरेंट जीन बैंक से, जर्म प्लाज्म से, एंड एंडेंजर्ड पेटेंट एंड वल्नरेबल प्लांट्स हो गए, तो इनका जो डेटाज या फिर जो भी ये रिलेटेड टू सर्वे एंड रिसर्च स्टडीज, तो रिलेटेड टू द यस दैट इज रिलेटेड टू द फ्लोरा स्पीसीज, तो वो करने का काम किसके अंडर आता है? BSI के अंडर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह नहीं आएगी, बिकॉज कोई एक्ट के अंडर नहीं है, ZSI हो या BSI हो, तो ये ऑटोनोमस बॉडीज होती है, ठीक है। एंड सेकेंड इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरटेक इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक सर्वे, ओके, कलेक्ट एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ द प्लांट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो मतलब क्या इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकली क्या यूटिलिटी हम इसकी कर सकते हैं, कौन से लेवल तक कौन सा प्लांट यूज़ हो सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी वहाँ पे चेकआउट करना, और उनके रिलेटेड सर्वेज, न्यू न्यू स्पीसीज जो हो गए फ्लोरा स्पीसीज, वो फाइंड आउट करना। तो ये BSI का ऐसे कुछ काम रहेगा, दोनों का भी हेडक्वार्टर, BSI हो या ZSI, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यस दैट इज़ इन द कोलकाता। ओके, एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है एंड आप लोग उतना अच्छे से पढ़ते भी नहीं हो, प्रॉब्लम वही आ जाता है, तो ये रहेगा प्रॉब्लम, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? देहरादून उत्तराखंड, बट इसका वर्क इंपॉर्टेंट है रैदर दैन हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा। 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका मेजर वर्क है इंडिया का फॉरेस्ट काउंट करना। ओके, याद रखना ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वी कैन से अथॉरिटी और एक्सेट्रा, सो योर आंसर शुड बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है। इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो 2 साल में एक बार रिलीज होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बाइनियल प्रोग्राम। ओके, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ओके, जो लास्ट 19 का कुछ रिलीज हुआ था, 2019 का, तो दैट इज रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये बाइनियली निकाला जाता है, मतलब 2 साल में एक बार, मतलब इसके पहले का ISFR कब था? 2017 का था, ठीक है, 2017 में आया था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, प्लीज नोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इंडिया में कौन करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का काम? दैट इज मतलब फॉरेस्ट सर्वे निकालने का काम कौन करता है? FSI। एंड ISFR 19 ये रिसेंट रिपोर्ट है, एंड इसके पहले का 17 का था, मतलब एक बात तो हमें यहाँ पे समझती है कि इट इज़ द बाइनियल प्रोग्राम। बाइनियल मतलब क्या? वंस इन अ 2 ईयर, ओके, वंस इन अ, ओके, वंस इन अ 2 ईयर, ओके, तो ये बाइनियल प्रोग्राम होगा, एंड उसी उसका नाम अगर देखा जाए तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऐसे कुछ होता है। सो एनी वेज, इट इज़ द नेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट मॉनिटरिंग ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया। ओके, रेगुलरली, रेगुलरली प्रॉपर मतलब 2 साल में ये होता है, जनरली रेगुलरली होता है। एंड FSI इज़ वन ऑफ द मेजर नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ओके, एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रीकर्सर वॉज द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1965 विद द एड ऑफ द UNDP एंड FAO, ठीक है। सो UNDP एंड FAO के हेल्प की हेल्प के थ्रू ये कुछ स्टार्ट हुआ था ऐसे प्रोग्राम, बट वैसे तो देखा जाए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सो इट इज़ द बाइनियल प्रोग्राम, देखो याद रखना, कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्स रेगुलरली इंटरवल में काउंट करने का काम इनका ही होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ टेल मी इंडिया का कितना फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द ISFR, ठीक है। ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 का जो रिपोर्ट आया, तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? फास्ट रिप्लाई, फास्ट, हाउ मच ऑफ एरिया इंडिया हैव अंडर द फॉरेस्ट एरिया? फास्ट, यस, हाउ मच एरिया? आई थिंक आपका रिप्लाई आने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। सो याद रखना, सो दैट इज द 24.56, इट इज़ द इंडियाज रिसेंट, अगर देखा जाए मतलब जो रिसेंट सर्वे हुआ है 19 का सर्वे, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? 24.56। और वैसे हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है? 1988 की, तो उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 33%। ओके, याद रखना, तो उसके अकॉर्डिंग, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉरेस्ट कितना होना चाहिए? 33%, तो उससे बहुत ही कम है, बराबर। ये तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है।
सेकेंड है कि वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, तो वो भी 33% ही आइडियली उन्होंने रखा है। तो वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर कितना आता है, 30%, और उससे इंडिया का क्या है, कम है, 24.56 जो है हमारा, तो उससे भी कम रहेगा। ठीक है, सो वर्ल्ड का जो आइडियल है वो मतलब एवरेज कितना है, 30% है, और इंडिया का वर्ल्ड से कम आता है। तो शायद यूपीएससी पूछ सकती है कि वर्ल्ड के एवरेज से हमारा ज़्यादा है या कम है एक्सेट्रा, तो ये आंसर मस्ट बी द लोअर, मतलब लीस्ट, मतलब उससे कम रहेगा। ठीक है, तो वो याद रखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1988 की जो पॉलिसी हमारे, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए इंडिया में, 33%, और उससे भी कम रहेगा, वर्ल्ड से भी कम ही है। सो एनीवेज, इट ऑल्सो फॉर्म्स एन इन्वेंटरी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो होगा, तो वो भी काउंट करते हैं, बहुत अर्बन होगा या रूरल एरियाज़ में, तो वो भी काउंट किया जाता है, जिसको TOF कहा जाता है। ठीक है, एंड FSI इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज़ एन IFS ऑफिसर। आपको पता है UPSC के थ्रू सेलेक्शन होता है IFS ऑफिसर्स का, तो वही IFS ऑफिसर्स इसके क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल हो सकते हैं विद द प्रमोशन, मतलब डिफरेंट प्रमोशंस होने के बाद FSI के हेड जो होते हैं, तो वो कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेटी होता है, मतलब उनके प्रमोशन के बाद जो DG जिसको हम कहते हैं, मतलब फॉरेस्ट मतलब IFS ऑफिसर जो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हो गए, तो वही उसके DG लेवल पे होता है। ठीक है, एंड FSI क्या, जैसे बाकी हम टाइगर सेंसस करते हैं, एलिफेंट सेंसस करते हैं, जो कि काउंट करते हैं, तो वैसा तो FSI करता नहीं है। FSI ऑब्वियसली मतलब फॉरेस्ट, वैसे तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट काउंट कैसे होगा, सैटेलाइट डेटा से ही काउंट हो सकता है। ठीक है, तो उतना ही काफ़ी याद रखना है। सो दे यूज़ द सैटेलाइट डेटा, और UPSC ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सैटेलाइट डेटा सेज, ठीक है, सैटेलाइट जो डेटाज होते हैं, तो उसके थ्रू क्या क्या काउंट किया जाता है, ये 19 का क्वेश्चन था। ठीक है, कि जैसे उन्होंने पोल्यूशन लेवल दिया था, देन उसके बाद आई थिंक मतलब ये फॉरेस्ट एरिया अगर देखा जाए, ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस कुछ हीट रिलीज होती है, तो वो एक दिया था उन्होंने, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं, तो मुझे लगता है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़, एंड दैट इज़ रिसेंट जो 19 का रिपोर्ट है ISFR का, तो वो FSI ने रिलीज़ किया था, आपको पता है। ठीक है, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 19, ओके, सो दैट इज़ रिलीज बाय द FSI। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या हाईलाइट्स है, तो देख लेना, इस बार टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा 80 मिलियन हेक्टर के आसपास कुछ आता है, एंड देखो जोग्राफिकल एरिया के कितने हैं, 24.56, तो याद रखना हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है अभी, 24.56%। ओके, ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग ऐसे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है इंडिया में, सो दैट इज़ इंक्रीज इन द कर्नाटका, फर्स्ट फर्स्ट आएगा कर्नाटका, सेकेंड हुआ है आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड रहेगा केरला। ओके, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स में कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ इन कर्नाटका, सेकेंड आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड इज़ केरला। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस। सो नेक्स्ट एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एंड वो रहेगा दैट इज़ एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। ठीक है, एरिया वाइज, तो एरिया वाइज मतलब ओवरऑल एरिया कितना फॉरेस्ट ज़्यादा है, ऐसे अगर हम देखा जाए तो वो आएगा MP में। ठीक है, फर्स्ट अगर आता है तो MP आता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ MP हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट इन द कंट्री। ओके, तो MP रहेगा फर्स्ट, सेकेंड रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, सेकेंड रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ओके प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, सेकेंड इज़ द अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एटलीस्ट थ्री आपको पता होने चाहिए, टॉप 3 जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पे, एरिया वाइज टॉप 3, एटलीस्ट टॉप 3। सो रहेगा MP इज़ द फर्स्ट, सेकेंड इज़ द अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड इज़ छत्तीसगढ़। ठीक है, थर्ड कौन आता है, छत्तीसगढ़। एंड सेकेंड परसेंटेज वाइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो चलो मैं दो तो बता देता हूँ आपको, बट आपको बाकी तो खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो ये हमने क्या देखा है, एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज कहाँ पे ज़्यादा है, MP फर्स्ट, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड छत्तीसगढ़। बट परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे आता है परसेंटेज वाइज, मतलब वो स्टेट का जो जोग्राफिकल एरिया है, तो उसके परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, कौन से स्टेट में आता है। चलो आंसर फास्ट, परसेंटेज वाइज एटलीस्ट वी शुड नो टॉप 2 स्टेट्स। यस, परसेंटेज वाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, प्लीज़ रिप्लाई इन द चैट बॉक्स फास्ट। कहाँ पे रहेगा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट? यस, फास्ट आंसर, नहीं पता है, बिकॉज देखो UPSC ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 19 में दिसंबर में लॉन्च हुआ है ऐसा रिपोर्ट है ना, एंड उसको अभी 1 साल होने को आया, मतलब हमें टॉप तो भी पता होने चाहिए थे। सबसे लिस्ट अगर देखा जाए तो हरियाणा में आता है, स्टेट वाइज अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, स्टेट वाइज सबसे लीस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे आता है इंडिया में, दैट इज इन द हरियाणा, बट एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए ना टॉप कंट्रीज कौन से है। फास्ट रिप्लाई फास्ट। यस शिरोम,
एंड और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वैसे। बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखो चैट चैट बॉक्स होता है यहाँ पे, लाइव चैट बॉक्स होता है, तो वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो, आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप लोग। सिर्फ सुनना नहीं है लेक्चर को, मतलब क्वेश्चन भी पूछना है आपको, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि एक थोड़ा एक मेंटेन रहेगा कि आपको भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बराबर है। सो क्या होगा आंसर। ओके ठीक है। एनीवेज तो देखो परसेंटेज वाइज अगर फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम इज़ द फर्स्ट इन द परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। सो दैट इज़ द मिजोरम। एंड सेकेंड अगर देखा जाए सो दैट इज़ सेम बाय द एरिया वाइज, जो अरुणाचल सेकेंड पे आता है तो वही अरुणाचल यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अरुणाचल अगर देखा जाए सो दैट इज़ सेम। ओके तो सेकेंड पे कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके समझ रहे हैं, परसेंटेज वाइज मिजोरम इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द अरुणाचल प्रदेश। ओके तो ये याद रखना है आपको, परसेंटेज वाइज एंड एरिया वाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे आता है। ओके तो याद रखो इतना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके डिफरेंट स्टेट एग्जाम भी होती है या फिर एसएससी के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको वेरियस एग्जाम में सीएपीएफ के भी अभी एग्जाम होने वाले हैं तो उसके में भी ऐसे काइंड के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो देखो याद रखना, एमपी इज़ द फर्स्ट, सेकेंड इज़ द अरुणाचल एरिया वाइज में अगर देखा जाए, एंड थर्ड इज छत्तीसगढ़। एंड परसेंटेज वाइज कौन है फर्स्ट, दैट इज़ मिजोरम इज़ द फर्स्ट एज द परसेंटेज वाइज 85% उनके लैंड एरिया के 85% उनका फॉरेस्ट है मिजोरम में, ठीक है। एंड उसके बाद 79% सेकेंड नंबर पे आता है, 79% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, एंड दैट इज़ विच वन, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ओके अरुणाचल। तो ये बाकी आप देख लेना, बाकी थर्ड एंड फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा नंबर्स पे जो भी हो गए तो आपको चेकआउट करना है, ठीक है। ओके एवरी वन अंडरस्टूड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके गुड, ठीक है। सो आई होप एवरी वन अंडरस्टूड अबाउट दिस पॉइंट्स। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कवर नेशनल गंगा काउंसिल, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, देन उसके बाद एनवायरमेंटल फाउंडेशन। ये तीन हम थोड़ा कल कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कवर करेंगे, दैट इज़ द नेशनल गंगा काउंसिल, ओके, एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेकेंड BNHS, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आके गया था BNHS पे, एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब हम कवर करते हैं। एंड अगर आपको रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस रिलेटेड इंटरनेशनल, जब पूरे इंडेसेस मैंने मेरे कुछ स्पेशल क्लासेस में कवर किया है, यू जस्ट हैव टू गो टू द अनएकेडमी ऐप एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर, मतलब अनएकेडमी ऐप अगर देखते हो तो वहाँ पे बस आपको सुमित कोंडे टाइप करना है। ओके SUMITKONDE, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित कोंडे जस्ट टाइप करो आप, और वहाँ पे आपको पूरे इंडाइसेस रिपोर्ट एंड इंडाइसेस पूरे साल भर के जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एवरी एवरी इंडेक्स, तो उसका पूरा डिटेल प्लस रैंकिंग आपको मिल जाएगा वहाँ पे, एंड स्पेशल क्लासेस में फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। एंड इवन दो एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज तो मैंने दिया ही आपको, ठीक है, तो वो भी रहेगा वहाँ पे, एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज, ठीक है। तो जितने भी द हिंदू के न्यूज़ है तो वो सब के सब हमने कवर किए, जितने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जितना करंट अफेयर्स है, जितना द हिंदू में आता है, तो वो पूरा वहाँ पे बहुत ही अच्छे PPTs के थ्रू कवर किया है, सो दैट आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेगा। सो जस्ट गो देयर एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द सुमित कोंडे, यहाँ पे आप सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको कंटिन्यूसली अपडेशन भी आते रहेगा उसके, ठीक है, कि अगर और ऐसे कुछ इनिशिएटिव मैं लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, सो आपको वहाँ पे अपडेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो एवरी वन, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड टुमारो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिमेनिंग टू टू थ्री ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट पे इस बार UPSC ने 4 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, तो प्रीलिम्स में, तो मुझे लगता है वो भी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स में। पोल्यूटेंट पे कंजिक्यूटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वह सब पोल्यूटेंट हम कल डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, राइट एट 1:30 PM। ओके सो मिलते हैं कल राइट एट 1:30 PM। ओके ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यस।